So what do you think ki COVID-19 da, what is the immediate effect on students who were about to complete their 12th and they were thinking to go abroad? मनदीप जी, अगर मैं इमीडिएट इफेक्ट की गल करा तो वो काफी परेशान किया है साडे पंजाब दे स्टूडेंट्स नू ते अराउंड द वर्ल्ड, आई मीन इंडिया एट ऑल एज वेल। जिहड़ियां फाइल्स एम्बेसी दे विच सीगियां वो बिल्कुल ही रुक गईयां ने, डंप हो गईयां ने, उहदी कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रही क्योंकि सारी एम्बेसीज बंद ने। अगर मेजर एम्बेसीज जिहड़ियां ने, कंसुलेट्स ने, वो दिल्ली दे विच ने, अगर न्यूजीलैंड की गल करा तो वो मुंबई दे विच है। ये सारे हॉटस्पॉट ने कोरोना दे, उहदे करके एम्बेसीज जिहड़ियां ने एट द मोमेंट क्लोज हो गईयां ने। सेकंडली, इंटरनेशनल बॉर्डरस जिहड़े ने वो क्लोज हो गए ने। इंटरनेशनल बॉर्डर क्लोज होने करके बच्चों के काफी पैनिक है कि जो वीजा आ जाता जा पावे, फीसा तो नहीं फस जाएगी। और कोई बच्चों ने किया कि प्राइवेट कॉलेज में फीस दी हुई है, सो उन्होंने यह है कि इनकेस कोरोना करके बच्चे नहीं जा रहे, कॉलेज बंद हो गए तो सारी फीस जी है कि फोरफीट ना हो जाए, मरना जाए, वो भी एक बच्चों को दिक्कत आ रही है। सो यहाँ एक इमीडिएट इफेक्ट जो सब तो वाला है, वो बच्चे जो परेशान ने भी असी साडा अगे फ्यूचर की होएगा। सो दिस इज अ मेजर इफेक्ट एट द मोमेंट ड्यू टू कोरोना। जी, कई बच्चे यहो जी भी होंगे कि जिन्हां कोल वीजा हैगा सी ते इस टाइम दे विच उन्हां दी फ्लाइट सी, तो व्हाट इज देयर स्टेटस, उन्हां दे कॉलेजेस दा की रिस्पांस आ उन्हां नूं? इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्लोज होने करके ना तो इतों फ्लाइट चल रही ने इंडिया तो, ना सिर्फ कैनेडा को छोड़ के बाकी कंट्रीज भी फ्लाइट जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो करके दिक्कत की आ रही है कि बच्चे जो ने वो इतों फ्लाई नहीं कर पा रहे। फिर दो ऑप्शन ने उन्होंने को, तो इनटेक डेफर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कैनेडा की गल करा कि कैनेडा जो नैक्सट इनटेक इमीजिएट वो मे, अप्रैल या मे सेगा, तो मे वाले हम बच्चे वो सितंबर इनटेक डेफर कर रहे हैं। पहली ऑप्शन तो बच्चों को है। सैकेंड ऑप्शन यह है कि ऑनलाइन क्लासेस उन्होंने कॉलेज ने स्टार्ट कर दी। पहला ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं सी हुई है क्योंकि उनका रूल है कि जेड़ा बच्चा कनाडा एक साल पढ़ता है उन्होंने एक साल का वर्क परमिट मिलता है पोस्ट स्टडी, जेड़ा दो साल पढ़ता है उन्होंने तीन साल का मिलता है। लेकिन पहले एक डाउट सी बच्चों कि अगर वो ऑनलाइन एजुकेशन ले लेंगे ने तो की उत्थे जाकर उन्होंने वर्क परमिट राइट्स सेम रहेंगे? ते कनाडा एम्बेसी ने एक गल क्लियर कर दी कि यस इट विल रिमेन द सेम, दे विल हैव टू स्टडी एटलीस्ट 1 ईयर इन कैनेडा। तो वो पढ़ लेना है, जो दो साल का बच्चे का कोर्स है तो एक साल वो पढ़ लेगा। सो काफी कॉलेजेस ने, यूनिवर्सिटीज ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी ने और जेडे बच्चे पढ़ पा रहे ने वो पढ़ रहे ने। फिर इन्हें बड़ा एक अच्छा सिस्टम किया है कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर लो, जो तुम कंफर्टेबल नहीं है तो बंद भी कर सकते हो, इनटेक डेफर कर सकते हो। सो दे आर ऑफर, यस दैट इज द ऑप्शन फॉर दी स्टूडेंट्स।